छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने घेरा अजाक थाना। बालोद जिला के प्रवास एवं पुलिस थाना घेरने पहुंचे छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल का सेनानियों ने स्वागत सम्मान पर शहर में नारेबाजी के साथ बाइक यात्रा निकाली। तो वहीं अमित बघेल ने गंगा मैया मंदिर में माथा टेक कर बालोद जिला वासियों के लिए आशीर्वाद मांगा। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया को संगठन के विस्तार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अपने हक को छीनने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना काम करती है। बालोद में भी हमें लगातार सूचना प्राप्त हो रही है कि यहाँ बाहरी लोगों का आतंक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का गठन और इसका विस्तार जरूरी हो गया था और इसी मद्देनजर कार्यकारिणी बैठक लेने के लिए हम यहां आए हुए हैं। बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला संयोजक शशिभूषण चंद्राकर और जिला मीडिया प्रभारी संजय सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोगों को महत्व मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। इन्हीं सब मुख्य बातों को लेकर यह संगठन काम करता है और करता रहेगा। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना परंपरागत चलने वाला संगठन नो है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया राज, अपन पुरखा देवता मन के स्थापना, अपन तीज तिहार के स्थापना ल लेकर के निरंतर बूता करत है। अपन पुरखा देवता मन ल स्थापित करके काम करत है। छत्तीसगढ़ राज बने के बाद छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई नहीं हो, गुजराती में पढ़ाई के फरमान जारी हो जाते, गुजराती के भाषा संस्कृति स्थापित करके फरमान जारी हो जाते। अगर पहली के सरकार उड़िया भाषा पढ़ाए के कालक आदेश जारी करे रही, यही सब चीज ला देखते हुए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना छत्तीसगढ़ राज बने के बाद भी छत्तीसगढ़ में न छत्तीसगढ़िया राज स्थापित है, न छत्तीसगढ़िया वाद स्थापित है। छत्तीसगढ़िया मन के ओकर ज्यादा दुर्गति है जितका मध्य प्रदेश में रही। बहुत ये मन शोषण कर रहे है। हम छत्तीसगढ़िया मन ला छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कही कही के लुढ़ार लुढ़ार के आज तक के हमार शोषण करत रहित। ये बात अब छत्तीसगढ़िया मन ला समझावत हन। छत्तीसगढ़िया काबर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ओकर शोषण हुआ थे वो कले चुप बैठे, व्यापार में ओकर शोषण हुआ थे वो कले चुप बैठे, राजनीति में ओकर शोषण हुआ थे वो कले चुप बैठे, शिक्षा में ओकर शोषण हुआ थे छत्तीसगढ़िया कले चुप बैठे। ये पाए के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहत रही थे मन। अब आज छत्तीसगढ़िया मन जब जागत है, अपन हक अधिकार के बात करत है, तो अब ये सुनाई नहीं था छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ बालोद, रिपोर्टर खिलावन चंद्राकर की खबर।